Hey, how's it going everyone? My name is Maripa और आज हम लोग Minecraft के अंदर recreate करने वाले कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक manhunt के clutches. Yes guys, तुम लोगों ने मेरे channel पे manhunt की series तो जरूर follow करी होगी. One of the most famous series है मेरे channel की, जिसके अंदर हम लोग बहुत सारे clutches करते हैं, बहुत सारे stunts करते हैं. हमारा main goal होता है Ender Dragon को मारना और मेरे दोस्तों का काम होता है मुझे रोकना, like किसी भी तरीके से रोकना. तो उन manhunts के दौरान guys क्या होता है, ऐसे moments बहुत सारे आते हैं जब मैं almost मरने वाला होता हूं, but in the end clutch करके या तो मेरी किस्मत अच्छी होती है या तो मेरे पास थोड़ी बहुत skill होती है मोमेंट में, एंड मैं वहां से बच के बाहर निकल जाता हूं. तो उसी तरीके से गाइस और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने मैन हंट्स के अंदर बहुत एपिक मोमेंट्स क्रिएट किए हैं, तो आज हम लोग उनको रिक्रिएट करने वाले हैं. तो गाइस सबसे पहले आज हम लोग करने वाले हैं यहां पर वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लचेस, जो कि है स्पाइडरमैन जंप. आई मीन ऑफ कोर्स इस जंप का नाम स्पाइडरमैन जंप नहीं है, बिकॉज मुझे इसका नाम नहीं पता है गाइस, इसलिए मैंने इसका नाम स्पाइडरमैन जंप रखा, क्योंकि ऐसा लगता है कि हम लोग मकड़े की तरह दीवार पे चल रहे हैं. तो गाइस सबसे पहले मैं इसको रिक्रिएट करने वाला हूँ. देखो गाइस, मैंने ऐसे तो बहुत बार ही अपने मैनेंट्स वगैरह में किया हुआ है, लेकिन गाइस ये जो दीवार है यहां से लेकर लास्ट तक 200 ब्लॉक्स की, मैंने आज तक कभी भी 200 ब्लॉक की वाली जंप मारी नहीं है. तो मैं इसको यहाँ पे रिक्रिएट करने वाला हूँ. फ्यूगर्स एक्सेप्ट लीव अ लाइक, वीडियो को लाइक एंड जरूर कंप्लीट करना गाइस. 120 के लाइक्स हैं, सीधा ही स्टार्ट करते हैं मेरे बेटे. ओके ओके ठीक है. देखो गाइस मैं ऑलरेडी प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा नीचे यहाँ पर गिर चुका हूँ, एंड यहाँ पर बाय द वे एक ट्विस्ट था जो कि मैंने तुम लोगों से अभी तक बात करी नहीं. आई एम डेड मैन. चलो बढ़िया है, मैं मरा नहीं हूँ, दोबारा से इसको रिक्रिएट करते हैं. हाँ गाइस, तो मैं तुम लोगों को बोल रहा था एक ट्विस्ट के बारे में, राइट. तो यहाँ से जो हमारा आगे वाला प्लेटफॉर्म है गाइस, उनके बीच में पूरे 200 ब्लॉक्स का गैप है, एंड हमारे पास टोटल कितने ब्लॉक्स है, 192 ब्लॉक्स. यस गाइस, तो हम लोगों को 192 ब्लॉक्स के साथ 200 ब्लॉक की जंप मारनी है. सो दिस इज द मेन चैलेंज एक्चुअली में. चलो भाई स्टार्ट करते हैं. Okay. Oh my god. अरे मेरा प्लेटफॉर्म ऊपर रह गया भाई, ये मेरा प्लेटफॉर्म ऊपर रह गया, गलत बात है गाइस. बट दैट वाज गुड गाइस, दैट वाज गुड. मैंने 200 ब्लॉक की जंप करी है भाई, इसमें कोई शक नहीं है, मैंने किया है इसको कंप्लीट. इस चीज के लिए इस वीडियो पे एक लाइक बनता है मैन. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, तो सेकंड वाला क्लच जो अभी हम लोग यहां पर करने वाले हैं, वो मैंने ना बहुत पहले एक वीडियो के अंदर देखा था. मेरे को अगर वाली वीडियो मिलेगी तो भाई मैं तुम लोगों को जरूर स्क्रीन के ऊपर दिखाने वाला हूं. तो उस क्लच के अंदर गाइस क्या होता है, स्पीड रनर एज यूजुअली भागते भागते ऐसे ना टावर अप करके ऊपर भागता है, ठीक है ना, अपने हंटर्स से. एंड जब ऊपर भागता गाइस तो वो क्या करता है, एक साइड पे ऐसे अपनी एक बोट को नीचे प्लेस करता है, एंड जब वो हंटर से लड़ रहा होता है गाइस तो उसको पीछे के लिए धक्का लग जाता है, एंड वो क्या करता है गाइस उस पर्टिकुलर बोट को हवा में लिटरली हवा में तोड़ता है पहले तो, एंड देन कैच करके अपने इन्वेंटरी पे नीचे क्लच मारता है. सो दिस वाज द क्लच. तो ये चीज मैं अभी रिक्रिएट करने वाला, मुझे बहुत पसंद आई थी भाई ये चीज है सीरियसली, एंड टू बी ऑनेस्ट बहुत टफ होती है चीज करनी. थोड़ा थोड़ा गाइस सेम फील देने के लिए मैं क्या करने वाला हूं, इसको ऑलमोस्ट सेम सेम जैसा बनाने वाला, कुछ इसी तरीके का वहां पर बना हुआ था जितना मेरे को याद है. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, इट इज टाइम टू डू दिस माय ब्रदर्स, इट इज टाइम टू डू दिस माय ब्रदर. वाह वाह क्लच तो मैंने कर दिया, बट बड़े अलग वे से कर दिया. रुको इसको अगेन करना पड़ेगा गाइस. अरे भाई ये बोर्ड क्लच करने में मैं एक्चुअली मैं एक्सपर्ट हूँ, बट इसको थोड़ा अलग वे से करना है. ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, नाउ इट इज टाइम टू डू दिस क्लच, नाउ इट इज टाइम टू डू दिस क्लच.
तुम्हारा भाई किसी से कम है क्या है मेरे बेटे। हालांकि गाइस मैं तुम लोगों को सच्ची बात बताऊं, ये चीज को अगर मान लो मैं मैन हंट में कर रहा हूं तो उससे मुझे कितना दिमाग लगाना पड़ेगा कि लाइक पहले हवा में गया, देखो पहले ये हवा में ऊपर से नीचे बोट गिरी है, फिर मैं इसको यूं करके तोड़ूंगा एंड देन मेरे को एग्जैक्टली अपने स्लॉट में नजर मारनी है कि मतलब मुझे यहाँ पे ना इस पर्टिकुलर स्लॉट जो सबसे पहला वाला स्लॉट है जहां पर ये बोट आ सकती है वहां पर इसको स्विच भी करना पड़ेगा ऐसे करके। देखो नीचे यूं करके नीचे मुझे यूं स्विच करना पड़ेगा। दिस इज मतलब इतना कम स्प्लिट टाइम मिलता है ना इसको करने के लिए, ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है भाई ये चीज करना मैन हंट्स के अंदर जब ऑलरेडी तुम लोगों की इतनी फटी होती है। तो ऐसे में गाइस मैं क्या प्रेफर करता हूँ कि मैं डायरेक्ट ऊपर से बोट के बीच में ऐसे करके गिर जाऊं, या तो फिर मैं ऊपर से लाइक लैडर वगैरह का इस्तेमाल कर लूं, वो भी ज्यादा इजी होता है ऐसे मोमेंट्स में। तो बढ़ते गाइस अपने तीसरे क्लच की तरफ। एंड गाइस अगले वाला भी ऑलमोस्ट हमारा सिमिलर ही है भाई, रुको मैं तुम लोगों को बताता हूं। अगले वाले में क्या था गाइस, ऐसे सेम टू सेम एक बंदा ऊपर चढ़ा हुआ था, ठीक है ना, मुझे नहीं आईडिया यूट्यूबर कौन था बट ऐसे ही ऊपर चढ़ा हुआ था वो बंदा एंड ही वॉज हेल्पलेस, ठीक है, उसकी इन्वेंटरी पे ऐसा कुछ भी नहीं था जिससे वो कुछ क्लच वगैरह नीचे कर सके। तो उसने बस एक चीज नोटिस करी कि यहाँ पर मिड जैसे में एक जगह पे ऐसे कोई लैडर टाइप चीज लगी हुई, ठीक है ना, आई थिंक ऐसे में तो कहीं पे लैडर लगी हुई था। वो क्या करता है, उसके पास कुछ TNT एंड फ्लिंट होते, तो वो क्या करता है बस यहाँ पर TNT को लगा के उसको फोड़ता है और वो TNT यहाँ से नीचे गिरता है इसके ऊपर एंड जब ये फूटेगा तो आई थिंक लैडर ऐसे करके नीचे गिर जानी चाहिए एंड मिड एयर इस लैडर को पकड़ता है। भाई साहब तुम लोग समझ रहे हो भाई, ये चीज को सुनकर ही मेरे को चक्कर आ चुका है, सच्ची बता रहा हूँ तुम लोगों को, इस चीज के बारे में सुनकर ही चक्कर आ चुके हैं, बंदे ने किया है भाई ये। चलो इसको रीअटेम्प्ट करते हैं एक बारी। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, इसको यहाँ पर लगाकर करेंगे लाइट अप। ओके जब ये फटेगा देन उसके बाद अपने को जस्ट कुश्ती करना है, मारेगा छलांग। ओ भाई ये मैंने क्या किया भाई, मुझे फॉल डैमेज भी नहीं पड़ा, मैंने एक्चुअली गलती से बोट लगा दी। ओके सॉरी सॉरी सॉरी, दैट वाज माय फॉल्ट मैन, मैं दिमाग से निकल गया कि लैडर क्लच करना है ऐसे करके। ओके ठीक है ठीक है ठीक है, हो जाएगा, इजी है भाई। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अगला अटेम्प्ट यहाँ पे हम लोग करने वाले, मेरे पास इतने सारे लैडर्स एक्स्ट्रा क्या करिए भाई, कौन कम ऑन स्मार्टी, फटेगा, शाबाश शाबाश, मैंने लगा दिया था भाई नीचे, ऑलमोस्ट कर रहा है, अरे भाई हो जाएगा यार। चलो भैया अगला अटेम्प्ट, इस बार तो हो जाएगा, इस बार तो कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई दिक्कत नहीं भैया, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है भैया, तुम्हारा भाई यहाँ पे मैनेज एक्सपर्ट है यार। ये छोटे मोटे क्लच से डरूंगा क्या मैं गाइस, है तुम लोगों को लगता है ऐसा, ये हम लोग पहली क्लास में क्या करते थे भाई, है ना, ये वाले क्लचेस। अच्छा अब देखो जो मैंने ये वाला क्लच अभी किया, ये वाला करना भी कितना ज्यादा मुश्किल होता है, मैं तुम लोगों ने इसका एग्जांपल देता हूँ। देखो अभी रिसेंटली मैंने 1v3 का फिनाले वाला मैनहंट डाला था, हमारा फिफ्थ मैनहंट, उसके अंदर भी मैंने एक सिमिलर क्लच किया था। देखो मैं तुम लोगों को स्क्रीन पे दिखाता हूँ मेरा थॉट प्रोसेस क्या चल रहा था इस पर्टिकुलर पॉइंट में। मेरे पास इन्वेंट्री के अंदर गाइस एक्चुअली में लैडर्स पड़ी हुई थी, ठीक है ना, इस पॉइंट पे लैडर्स पड़ी हुई थी, लेकिन गाइस आसपास मेरे पास नीचे कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं था जहां पर मैं इसको लगाऊं एंड मैं सेफली निकल सकूं, क्योंकि नीचे फलाना जी और रेज्यू मेरा वेट कर रहे थे। अगर मैं आसपास कहीं भी छलांग मारता इनके तो ऑफकोर्स ही मुझे मार देते, मेरे पास ज्यादा अच्छे आर्मर्स वगैरह भी नहीं थे, तो आई वुड हैव डाइड इजीली, कोई दिक्कत ही नहीं होती। तो मुझे क्या करना था, इनसे कहीं बहुत ज्यादा दूर छलांग मारनी, जब दूर कहां मारता, आसपास कोई भी ऐसा ब्लॉक नहीं था। लेकिन गाइस वहां पे ड्रीम मॉन एक गड़बड़ कर दी, वो मेरे पीछे से आ रहा था मुझे मारने के लिए, लेकिन ऊपर से नीचे गिरता है एंड वो वहां पे लैडर क्लच करने की ट्राई करता है एंड गलती से गाइस वो लैडर वहां पे प्लेस कर देता है और मैं देख लेता हूं बस कि लैडर उसने प्लेस कर दिया। अब तुम लोग खुद सोचो गाइस कि मुझे ऊपर से छलांग मार के लैडर प्लेस करके छलांग मारनी है, वो ज़रा आसान है कि ऑलरेडी लगी लगाई लैडर पे छलांग मारना। ऑफ कोर्स लगी लगाई लैडर पे छलांग मारना, सो दैट इज द थिंग गाइस। तो ऑन द स्पॉट मैंने वहां पे दिमाग लगा और मैं वहां पे बच के भाग गया, अदरवाइज हो सकता था मैं मर जाता। तो ये वाला जो क्लच था ये भी क्यों इतना ज़रा ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है, बिकॉज इसके लिए तुम्हें ऑलरेडी पता होना चाहिए कि वहां पर एक लैडर लगी हुई है, देन मैं TNT को फोड़ूंगा एंड देन उसके बाद वो मैं हवा में पकड़ भी दूंगा, तो ये थोड़ा सा रिस्की होता है बट हाँ पॉसिबल है। एंड गाइस अब बारी आती है वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट क्लचेस की। ऑलराइट गाइस, तो अगला वाला क्लच जो हम लोग करने वाले हैं, इसके लिए देखो मुझे किसी की जरूरत है, मुझे रेल की जरूरत पड़ने वाली है, मुझे माइन कार्ड की जरूरत पड़ने वाली है एंड ऑफ कोर्स के अंदर बैठने की जरूरत पड़ने वाली है। अब तुम लोगों को लग रहा होगा भाई ये भी आसान है, नॉर्मल बोट क्लच की तरह ही है। नो अगर तुम लोगों को ऐसा लग रहा है तो एकदम गलत गाइस, इस पर्टिकुलर क्लच के लिए तुम लोगों को इतनी ज्यादा स्किल की जरूरत है, इनफैक्ट तुम लोगों को स्पेशल टाइप के माउसेस की जरूरत भी पड़ेगी। देखो मेरे पास जो गाइस यहाँ पर माउस है तो एकदम बेसिक माउस है, ठीक है ना, तुम लोग ऐसे माउस है जिसमें ड्रैग क्लिक होता है, जिसमें लाइक तुम लोग एक बार अगर ऐसे करके लाइक राइट क्लिक करोगे तो तुम लोग मल्टीपल टाइम्स क्लिक रजिस्टर होते हैं। अब मेरे पास वो है नहीं है तो मुझे दिक्कत होने वाले, बट आई एम गोइंग टू अटेम्प्ट इट एंड आई थिंक मैं इसको कर दूंगा। देखो गाइस
इसमें क्या करना है अपने को, सबसे पहली चीज तो गाइस मैं एक काम करता हूँ, रुको, ऊपर के लिए चलते, ठीक है ना, क्यूएस क्लच कर रहे तो हम लोगों को ऑफकोर्स ऊपर से नीचे करना पड़ेगा। एंड देखो गाइस, अब मैं तुम लोग को समझाता हूँ करना क्या है। यहाँ पे हम लोगों को एक्चुअली में 3 बार क्लिक करना पड़ेगा। कैसे कैसे, जब हम लोग ऊपर से नीचे गिरेंगे, पहले हम लोगों को रेल को नीचे प्लेस करना है। अब जैसे कैसे हमारी रेल प्लेस होगी, उसके ऊपर हम लोगों को माइंड कार्ड को प्लेस करके राइट क्लिक करना है 3 बार। इनफैक्ट 3 बार राइट क्लिक नहीं करना गाइस, 1 राइट क्लिक, फिर स्क्रॉल करना नीचे, देन 1 राइट क्लिक, एक और राइट क्लिक, और ये स्प्लिट सेकंड में करना है, लाइक लिटरली इम्पॉसिबल, आई थिंक 0.7 से भी कम सेकंड्स के अंदर हम लोगों को 3 क्लिक्स करने हैं। हाउ इज दिस पॉसिबल, आई हैव नो आइडिया। तो इसका मैंने एक इलाज निकाला, मैं क्या करने वाला गाइस, इस रेल को मैं ऑफ हैंड में पकड़ने वाला। तो ऑफ हैंड पकड़ के गाइस क्या होता है कि ये राइट क्लिक से नीचे प्लेस हो जाएगी इजीली, बट स्टिल यहां पर गाइस मेरे को स्क्रॉल तो करना पड़ेगा। क्यों, मैं तुम लोग को बताता हूँ। देखो, अगर मैं राइट हैंड में लाइक इसको पकड़ के रखूंगा एंड ऑफ हैंड में इसको पकड़ के रखूंगा, तो गाइस राइट क्लिक होता ही नहीं। देखो, राइट क्लिक कर रहा हूं मैं, ये हो गया हमारा लेफ्ट क्लिक और ये हो गया नीचे राइट क्लिक, नहीं हो रहा है, ठीक है ना। तो मेरे को खाली हाथ से पहले इसको प्लेस करना है, फिर स्क्रॉल करके अब डबल राइट क्लिक करना है। ओ माय गॉड, दिस इज गोइंग टू बी पेन इन माय एस ब्रो। यस गाइस, जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया, दिस इज गोइंग टू बी द पेन इन माय एस, एंड ऐसा ही हुआ था। मैंने इतने अटेम्प्ट्स किए, तुम लोगों को यकीन नहीं होगा, मैं ऑलमोस्ट 1.5 घंटे से लेकर लगा हुआ था भाई कंटिन्यूसली यही चीज करने के लिए। एंड फाइनली मतलब तुम लोग ये मान के चलो, मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया बीच में कि भाई मैं छोड़ के चला गया रिकॉर्डिंग। एंड गाइस, जब मैं वापस आया तो मेरे को यहाँ पर बहुत सारी सेटिंग्स के साथ छेड़छाड़ करनी पड़ी। मुझे लिटरली अपने हॉट बार की बाइंडिंग को चेंज करना पड़ा, मुझे अपने माउस में शॉर्टकट कीज बनानी पड़ी ताकि मैं फास्ट क्लिक कर सकूं। नॉर्मल सेटिंग के साथ इट वॉज इम्पॉसिबल। एंड देन मेरे को गाइस इस हाइट को छोटा करना पड़ा, जो मेरे ये इतना लंबा पिला बनाते हैं, इसको मेरे को छोटा करना पड़ा। एंड फाइनली इन द एंड गाइस, मैंने छलांग मारी एंड ये क्लच मैंने कर दिया। मतलब ये क्लच मैंने इतनी हाइट से किया कि भाई मैं वहां से गिरता भी तभी मरता नहीं था, बट क्लच हो गया भाई। तुम लोग इसको अटेम्प्ट जरूर करना, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है भैया। इम्पॉसिबल भी सस्ता वर्ड लगेगा तुम लोगों को इस क्लच को करते करते, इतनी सरदर्दी हुई। अगर तुम लोगों ने इस चीज को कर दिया ना भाई साहब, मुझे तुम लोग इंस्टाग्राम पे टैग करो भाई स्टोरीज में, मैं रीशेयर कर दूंगा अपने इंस्टाग्राम पे तुम्हारी स्टोरीज को, जिसने भी किया भाई करो और मुझे मेंशन करो इंस्टाग्राम पे भैया, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। फॉलो नहीं करना होगा मत करना, बट इंस्टाग्राम पे स्टोरी पे जरूर टैग करना भाई, मैं देखना चाहता हूँ तुम में से कितने लोग कर सकते हैं ये। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अगला क्लच हमारा होगा क्राफ्टिंग टेबल के साथ। यस, तुम लोगों ने ड्रीम का वन ऑफ द मोस्ट फेमस बोट क्लच तो देखा ही होगा, तुम लोगों को मैं स्क्रीन के सामने दिखाता हूं। इसमें क्या होता है, ऊपर से बंदा नीचे गिरता है, मिड एयर ये बंदा यहाँ पर बोट को क्राफ्ट करता है कुछ इस तरीके से, देखो मुझे सामने ऐसे करके भैया, एंड देन इसको नीचे भी निकालेगा, एंड देन ऊपर से गिरते गिरते जब नीचे गिरेगा यूं करके गाइस, तो यहाँ पर क्लच भी करने वाला, जो मुझसे अभी भी नहीं हुआ। लिटरली दिस इज द थिंग मैन, ये जिसको मैं अभी यहाँ पर करने वाला हूँ। विश मी लक गाइस, अगर तुम लोगों को वाला क्लच पसंद आएगा तो मैं चाहूंगा सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करना भाई, है ना। इनफैक्ट मैं और ज्यादा हाइट से गिरने वाला हूँ भाई, अभी देखो तुम्हारा भाई फोड़ देगा यहाँ पे। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, फर्स्ट ट्राई। ओके भाई, ये तो बड़ा मुश्किल है यार। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, अभी मैं तुम लोगों को ना ये चीज करके भी दिखाऊंगा, वो भी स्लो मोशन में। जस्ट चेक दिस आउट, ओके, लेट्स गो बॉयज एंड गर्ल्स। तुम लोगों को क्या लगा भाई, क्या मैं सच में कर रहा हूं यार। देखो गाइस, क्राफ्ट तो मैंने यहाँ पर मेड एयर ही किया, तुम लोगों को एक क्रेडिट तो मुझे देना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। एंड बस हम लोग यहाँ सब नीचे गिरेंगे एंड हमारा बोट क्लच होता हुआ कंप्लीट, लेट्स गो। मैं तुम लोग सच्ची बात बताऊँ, अगर हम लोगों को मिड एयर क्राफ्ट करना है ना, तो हम लोगों को इस क्या करना पड़ेगा, मैं तुम लोग कहता हूँ, हम लोगों को ऊपर से इस पे क्लिक करके यहाँ पे क्लिक करना पड़ेगा। इनफैक्ट अभी तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर क्लिक करके फिर ये नीचे निकालने पड़ेंगे, एंड देन ये वाला क्लच हो सकता है, जो कि मैं करना चाहता हूँ। वो ऑथेंटिक वे नहीं है ना भाई, हम लोग इसको, मैं इसको ऑथेंटिकली करना चाहता था कि मैं ऊपर से नीचे गिर रहा हूँ एंड देन मैं यहाँ पे क्राफ्ट कर रहा हूँ, जो कि बहुत मुश्किल है। उसके लिए आप लोगों को स्पेशल सर्वर्स खरीदने पड़ेंगे, जहाँ पे रिस्पॉन्स टाइम की बात होती है बेसिकली, कि इन्वेंटरी कितने टाइम के लिए खुल रहे हो, कितना फास्ट तुम लोग क्राफ्ट कर सकते हो, लाइक समझ रहे हो तुम लोग। हमारे तो ये जो सर्वर्स है ये भी सिंगापुर रजिस्टर्ड है, जहाँ पर ऑफकोर्स पिंग इशू बहुत आ रहा था, मुझे लाइक ऑलमोस्ट 100 की पिंग आती है, तो इस सर्वर पे करना तो इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता है। तो ये बात है, लेकिन तुम लोग कैसे लगा मुझे बताना कॉमेंट सेक्शन में। ऑल राइट बॉयज एंड गर्ल्स, अगला क्लच जो मैं आखिरी क्लच यहाँ पे रिक्रिएट करने वाला, वो है ड्रीम का क्लच। अब देखो गाइस, मैंने एक वीडियो देखी थी, उसमें उसको कोई चैलेंज मिलता है मिस्टर बीस्ट के थ्रू, एंड उसको गाइस लेविटेशन का इफेक्ट दे देते हैं, वो भी एकदम रैंडम
ठीक है ना, रैंडमली बंदा लेविटेट हो रहा है हवा में ऊपर, एंड उसके पास ना ही वाटर बकेट है ना ही कोई ऐसी चीज है जिससे वो कोई लाइक तुम लोग मान के चलो बोट वगैरह बना सकता है जिससे लाइक वो क्लच कर सके, ठीक है ना। अब मेरी इन्वेंटरी में बहुत सारे प्लैंक्स हैं, तुम लोग इस चीज को इग्नोर करो, प्लैंक की जगह तुम लोग मान लो कोई अलग टाइप के ब्लॉक है, ठीक है ना, क्योंकि इससे मैं बोट बना सकता हूँ, बट उसके पास ये वाले ब्लॉक्स नहीं थे एंड ऑलमोस्ट इतने ही ब्लॉक्स उसके पास पड़े हुए थे, ठीक है ना, जो प्लेस कर सकता था, एंड उसको लगता है लेविटेशन का इफेक्ट एंड अब वो हवा में ऊपर जाकर ऊपर सर्वाइव करता है। अब सोचो तुम लोग 4 मिनट का लेविटेशन लगा था उसको, कैसे सर्वाइव किया होगा उसने, मैं वो सेम चीज अभी रिक्रिएट करने वाला, हालांकि ये चीज बहुत ज्यादा दिमाग वाली है, बट आई थिंक अगर मैं भी उसकी जगह होता तो मैं भी शायद से इसको फिगर आउट कर लेता, शायद से जितना मुझे लगता है। तो चलो गाइस इस इनसेन चीज को स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, चैलेंज हमारा यहाँ पे हो चुका है स्टार्ट, एक एक करके अभी हम लोग यहाँ पे सारा का सारा काम करने वाले, ठीक है। मैंने यहाँ पे ना सारे के सारे ब्लॉक्स को वैसे डर्ट से एक्सचेंज यहाँ पर कर दिया है ताकि तुम लोगों को यहाँ पे थोड़ी भी कन्फ्यूजन्स वगैरह ना हो, ठीक है ना। अभी अपने को यहाँ पर सबसे पहले एक चीज क्राफ्ट करनी पड़ेगी जो कि है ये, ठीक है ना। एंड कौन 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 ब्लॉक्स लगा भाई, ब्लॉक्स लगा भाई, यहाँ पे बहुत सारे ब्लॉक्स मैंने ऑलरेडी यहाँ पर वेस्ट कर भी दिए साइड के लिए, एंड आई हैव टू मेक श्योर कि बस मैं इसकी रीच से साइड होके ना आ जाऊँ, ठीक है ना। एंड अभी आई हैव टू डू समथिंग गाइज, ओके, समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज अभी मेरे को इसके बाद यहाँ पर करनी है। थोड़े बाद मैं कबलस्टोन वगैरह यहाँ पे वेस्ट कर सकता हूँ, डर्ट को मुझे एक्चुअली में यहाँ पर वेस्ट करना है नहीं है गाइज, ठीक है ना। तो व्हाट आई एम गोना डू इज यहाँ पर अब मैं यहाँ पे डर्ट वगैरह लगाना स्टार्ट करके ये और इसको तोड़ के मेरी इन्वेंटरी, ओ नो नो नो, इससे हुआ नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं इस बार ही हो जाएगा, शाबाश, तोड़ के आ जा, नहीं कुछ भी नहीं हुआ। ऑल राइट, मैं समझ चुका मैंने क्या गलती यहाँ पर करी है, शाबाश, इसको यूं आ जा, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस ब्रो, ये चीज़ गाइस मुझे करनी थी एक्चुअली में, नो, गलत, दोबारा गलत कर दिया मैंने एक्चुअली में, गाइस मैं हो रहा थोड़ा सा यहाँ पे पैनिक अभी, ठीक है ना। नहीं, मेरे को बस रेंज से नहीं जाना बाहर, ये करना है, रेंज से बाहर नहीं जाना है, इसको तोड़ मेरी इन्वेंटरी में आएगा, शाबा मेरे बेचे। थोड़ी सी गाइस दिक्कत हो रही है, सच्ची बताऊँ तो मैं तुम लोगों को, लेकिन मैं कर दूंगा, आई थिंक मेरे पास 3 ऑलरेडी आ चुके हैं, ये शाबा 4 आ चुके हैं, और इसी तरीके से बस मेरे को थोड़े बहुत और निकालने, हो जाएगा, बहुत ईजी है भाई, बहुत ईजी है, शाबा स्मार्टी, तू नहीं करेगा तो और कौन करेगा भाई, ये ही तो क्लच है जो इसमें तू एक्सपर्ट है इस टाइप के क्लचेस में, ये एक्चुअली में गाइस टफ है भाई, टू बी ऑनेस्ट, 5 आ चुके हैं मेरे पास, बहुत बढ़िया, बहुत इजी है, समझ रहे तुम लोग एग्जैक्टली यहाँ पे हो क्या रहा है, मैं यहाँ पे मिड एयर जाकर क्राफ्टिंग कर रहा हूँ, लाइक क्या बोलेंगे इसको, क्राफ्टिंग नहीं बोलेंगे यहाँ पे, लाइक मैं ये कर रहा हूँ, खाना उगा रहा हूँ अपने लिए, क्यों उगा रहा हूँ, आई थिंक तुम लोग ऑलरेडी समझ चुके हो, और ये चीज को गाइस ऑन द स्पॉट करना लाइक दिमाग लगा कर बहुत ज्यादा मुश्किल है, कि मतलब तुम लोगों को इतना बिग ब्रेन लगाना पड़ेगा एक्चुअली में कि तुम लोग इसको यहाँ पर कर सको। ओ माई गॉड, आ जा, बहुत बढ़िया, आ जा, तू भी आएगा मेरे पास, बहुत बढ़िया, इनफैक्ट आया नहीं मेरे पास वो वाला, ओ शिट गाइस मेरा बोन मिल खत्म हो गया, मेरा बोन मिल, कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है गाइस, देखो यहाँ पे अभी ये बनाएंगे हम लोग इसको, एंड आई थिंक अब हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फॉल को सर्वाइव करना, एंड दैट्स इट, बस देखना पड़ेगा, 1 मिनट ही बचा हुआ, ओह माय गॉड, इतने ब्लॉक्स मेरे पास होंगे क्या, आई हैव नो आइडिया, मेरे पास अभी यहाँ पे ऑलमोस्ट 50 से भी कम ब्लॉक्स बचे, लाइक 32 ब्लॉक्स बचे, आई थिंक आई विल सर्वाइव दिस। ऑलराइट बॉयज एंड गर्ल्स, 32 सेकंड्स अभी बचे हुए हैं, व्हाट द हेल ब्रो, एम आई गोइंग टू डाई, रुको मैं खाना खा के रख देता हूँ, एक बार खाना खा के रख देता हूँ, एंड अब सेंटर में जाएंगे एकदम, आई थिंक मैं बच जाना चाहिए, 20 सेकंड्स अभी और है, और कितना हाइट में जाएंगे भाई, आई थिंक मैंने सेम नंबर ऑफ ब्लॉक्स निकाले थे जितना ड्रीम के इन्वेंटरी में थे, आई थिंक, या मैंने थोड़ा बहुत कम निकाले हो सकता, बट आई थिंक आई एम गोइंग टू सर्वाइव दिस मैन, 10 सेकंड अभी बचे हुए, ओ माय गॉड, मैं पागल हो जाऊंगा अभी, ओके भाई कितना ऊपर जाएगा, और ये अभी भी 8 सेकंड्स बचे हुए हैं, नो वे डूड, कम ऑन डूड, यू कैन डू दिस, मल्टीप्लाई 3, 2, 1, अब नीचे गिरेगा, कम ऑन, एंड ओ मैं ऊपर की जगह भाई, अभी मैंने यहाँ पे भी ऑलमोस्ट कांड कर दिया था, सीरियसली बता रहा हूँ मैं,
बट इसी के साथ गाइस हमारा क्लच यहाँ पे कंप्लीट होता है। और भी एपिक वैसे क्या मैंने भाई साइड में क्या क्लच, ओ माय गॉड। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही था, इतने मैंने कुछ यहाँ पे क्लिप्स वगैरह को देख कर मैंने दोबारा से रिक्रिएट किया मेहनत के कुछ बहुत ही एपिक मोमेंट्स। तुम लोग गाइस मुझे कमेंट सेक्शन में इसी टाइप के और वीडियोस वगैरह या फिर चैनल्स वगैरह सजेस्ट कर सकते हो जहां से देखकर मैं इस टाइप के क्लचेस को और रिक्रिएट कर सकता हूँ। लाइक तुम लोग मुझे इंस्टाग्राम पे टैग कर सकते हो, ठीक है ना, वो सबसे ज्यादा बेस्ट होगा मेरे हिसाब से। इंस्टाग्राम के रील्स वगैरह पे टैग कर सकते हो, स्टोरी में टैग कर सकते हो, यू नो वो सब चीजें। या तुम लोग हैशटैग का इस्तेमाल कर सकते हो, हैशटैग मैनहंट क्लिप्स, देखो यहाँ पे स्क्रीन पर आ रहा होगा हैशटैग मैनहंट क्लिप्स, इसको तुम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल के ऐसे कुछ बहुत सारे अलग अलग यूट्यूबर्स की तुम लोग क्लिप्स निकाल के यूट्यूब पे अपलोड कर सकते हो, देन मैं डायरेक्ट वहां पर पहुंच जाऊंगा, ठीक है ना, इस हैशटैग अगर तुम लोग इस्तेमाल करोगे तो। एंड और भी टफ टफ मुझे दो यार, मुझे मजा आएगा एक्चुअली मैं रिक्रिएट करके। एंड पूरा दिन निकल चुका, रात के 11:30 बज चुके इस वीडियो को शूट करते करते। एंड आई थिंक मैं सुबह कितने बजे बैठा था, और मैं दिन में बैठा इस वीडियो को शूट करने के लिए, इतना टाइम लग चुका है। सो कैसे तुम लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर करना, चैनल पर सब्सक्राइब जरूर करना, और मिलता है ऐसी धासु नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्टे ऑसम गाइस, बाय बाय।